नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार दुबे और आप देख रहे हैं कृषि उद्यमी चैनल। आज जैविक खेती में चर्चा करेंगे मटका खाद के विषय में। क्या है मटका खाद? मटका खाद सस्ती और सरल तकनीक से बनाई जाने वाली प्रभावशाली खाद है। इस खाद से जमीन में जीवाणुओं की संख्या और खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे उत्पादन बढ़ता है। क्या सामग्री चाहिए मटका खाद बनाने के लिए? एक मटका चाहिए, 15 लीटर पानी चाहिए, 250 ग्राम गुड़ चाहिए, 15 किलो गाय का ताजा गोबर चाहिए और 15 लीटर गोमूत्र चाहिए। क्या विधि है मटका खाद बनाने का? मटके के पात्र में 250 ग्राम गुड़, 15 किलो गाय का ताजा गोबर और 15 लीटर पानी को मिलाकर के घोल बना लेना है। मटके के पात्र में गौमूत्र डालकर अच्छे से हिला देना है। इसके बाद किसी डंडे से कम 5 मिनट तक हिलाना है। पहले 2 मिनट तक सीधा घुमाना है, फिर 3 मिनट तक उल्टा घुमाना है, क्लॉकवाइज। अब घड़े का मुंह बंद कर लेना है और मटके के ऊपर ढक्कन रखना है और उसे भी ऊपर से मिट्टी और गोबर से लीप देना है। इसके बाद इस मटके को 10 दिनों के लिए छाया में रख देना है। 10 दिनों के बाद मटका खाद तैयार हो जाएगी। इस मटके से अब खाद को निकालकर किसी ड्रम में रखना है। उपयोग: मटका खाद से जमीन में जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है और खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे उत्पादन बढ़ जाता है। अब उपयोग की विधि जान लेते हैं। मटका खाद में 150 लीटर पानी डालकर उसे आधे घंटे तक अच्छे से घुमाना है। अब इसे प्रति एकड़ नमी युक्त जमीन के फसलों पर छिड़काव करना है। ध्यान रखना है, नमी युक्त जमीन पर छिड़काव करना है। पहला छिड़काव बुआई करने से 2 दिन पहले और दूसरा छिड़काव 60 दिनों के बाद करना है। तीसरा छिड़काव फूल आने से पहले करना है। भैया, मटका खाद बनने के बाद इसका इस्तेमाल 2 या 3 दिन में करना जरूरी है। जब दूसरा या तीसरा छिड़काव करें तब फिर से इस खाद को बनाएं। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक रोचक और नए टॉपिक के साथ।